दोस्तों क्या आपको पता है उत्तराखंड में एक ऐसी जगह है जहां पर एक नहीं दो नहीं पूरी 50,000 आत्माओं का वास है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ एशिया की टॉप हॉन्टेड प्लेस में, जिसका नाम अभी नहीं बाद में रिवील करूंगा। तो पूरा व्लॉग देखना, यहाँ पर आत्माओं का वास है या नहीं है ये आज मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट देख के बताऊंगा, तो बने रहना पूरे व्लॉग में। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं लोकेशन पे जो हमारी डेस्टिनेशन थी वहां पर, और यहां पे मैं लोकल से भी बात करके बताऊंगा कि क्या है जमीनी हकीकत। तो यहां से अब जाते हैं जो हॉन्टेड जगह है ना वहां पे जाते हैं, फिर देखते क्या होता है, क्योंकि रात को हमें डर लगता है इसलिए हम दोपहर में आए हैं। धन्यवाद। तो भाई कुछ इस तरह की लोकेशन आएगी, ये रोड जा रही है मेन जॉर्ज एवरेस्ट को, तो और यहाँ से आएगा आपको इस तरह का गेट, और वो रही वो हॉन्टेड जगह लंबेधार देहरा माइंस, यहाँ पे जाके भी देखेंगे कि क्या है यहाँ पर, क्या भूतिया हरकतें हैं या नहीं है। ठीक है, अब इस गेट से चलते हैं आगे को। करंटली जहाँ पर है वहाँ पर लंबेधार देहरा माइंस का ऑफिस हुआ करता था। तो पूछते हैं अमन, तो वो कुछ लगा गया यहाँ पे कुछ? मैं जब आया ना मुझे अचानक से एक नेगेटिविटी सा महसूस हुआ, मेरे सर में थोड़ी थोड़ी दर्द होने लगी। अच्छा, उसका कारण पता चलेगा आपको, तो आपका भी सर में थोड़ा दर्द हो। क्यों क्यों? आगे देखिए। अरे प्री वेडिंग फोटो शूट चल रहा है यार, भी नहीं छोड़ा भूत वाली जगह भी नहीं छोड़ रहे लोग, क्या कहना चाहेगा तू? जगह को भी पवित्र नहीं छोड़ा इन्होंने, पवित्र के फोटो ही शूट तो कर रहे हैं भाई, पवित्र पवित्र वाली क्या बात है इसमें। भूतों के लिए अब फंस गया ये, अब फंस गया, अब पवित्रता तो यही है इसलिए लड़का। तो भाई हम पहुंच गए हैं लंबेधार देहरा माइंस पे, यहाँ पे ऑफिस हुआ करता था। ये देखिए यहाँ पे अभी प्री वेडिंग फोटोशूट वगैरह भी चलने लग गई है, तो ये कुछ इस तरह का यहाँ पर सिनेरियो है। ठीक है भाई, ये यहाँ पर को लोकेशन है भाई। वो भूत निकली ना वहाँ से किसी ने अपना कैंप लगा रखा, कैंप लगाने की क्या जरूरत थी, वैसे छत पे के नीचे आ जाता भाई भूत। तो अभी दिखानी, ये देखो भाई खंडर, इस तरह आशिकों ने दीवारों पे अपने अपने नाम लिखे हैं। देखो भाई आशिकी की कोई भी जगह नहीं छोड़ी है इन आशिकों ने। ये देखो भैया गाइस, अब हम इन सीढ़ियों से होते हुए ऊपर जा रहे हैं, देखते हैं क्या सीन है यहाँ ऊपर। तो भाई ये है गांव खेत, सुदेश गांव खेत से है, तातिया बिच्छू। हाँ ये है भाई ऊपर से सिनेरियो खंडर से। उधर देखो भैया दुल्हन, क्या आपको पसंद आई ये दुल्हन, कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों जो आपको पहाड़ियाँ दिख रही, इस पहाड़ियों पे माइनिंग होती थी, और अभी जहाँ पर हमें ये ऑफिस हुआ करता था सन 1990 के बाद ये क्लोज हो गया था, क्योंकि यहाँ पे ऐसा बताते कि 50,000 लोगों की डेथ हो गई थी एक साथ, ठीक है, माइनिंग करते हुए इन खदानों में। तो भाई इस वजह से यहाँ पे लोग कहते कि अभी भी रात को बहुत से लोगों को किसी के रोने की आवाज़ आती इस टाइप की, लेकिन अभी तो ये हॉन्टेड प्लेस की जगह लवर्स पॉइंट। अरे क्या दिखा, अरे क्या दिखा, क्या दिखा, अरे दिखाइयो भाई, वैसी लग रहा है ये तो डरा देगा किसी को राजकुमार। ये देखे गाइस कितना स्मार्ट लग रहा है ये लौंडा, ओ माय गॉड। अक्षय कुमार ये देखो भाई, इसे बॉलीवुड में लास्ट का रोल मिल सकता है। हाँ हाँ ये तो भाई ये अब हॉन्टेड, मतलब क्या कहते हैं, हॉन्टेड प्लेस कम लवर्स पॉइंट ज्यादा बना दिया लोगों ने यहाँ आके। देख रहे हो ये बियर पी रहे हैं यहाँ पे गंदगी, भाई क्या है ये, मतलब हमारे देश के लोग इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं। मैंने दो शब्द कहिए, चूतियां हैं साले यहाँ, दो शब्द पहले होपलेस हो गया, कुछ भी नहीं देखा, दिमाग और खराब हो गया, क्योंकि यहाँ पे सब जगह क्या है प्री वेडिंग शूट है, ये करो वो करो, फोटो खींचो, हैंगर, सर में दर्द। तो भाई बकवास है ये जगह, मैं सही बता रहा हूँ, क्यों मोहित बकवास है, रात में खूबसूरत है, हाँ रात को खूबसूरत हो सकती है लेकिन दिन में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू। और व्लॉग में अगर कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक कर देना, मुझे लगता नहीं अच्छा लगा होगा क्योंकि मुझे खुद को अच्छा नहीं लग रहा। तो भाई अगर कुछ भी पसंद आया हो फिर भी लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पे पहली बार हो गए। तो मिलते हैं जल्दी अगले व्लॉग पे।